गुड मॉर्निंग. तो हम लोग निकल रहे हैं सोनमार्ग से. द होटल वॉज रियली गुड. 3 स्टार के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्प्रेड था ब्रेकफास्ट और लंच का. वी आर बिडिंग गुड बाय टू दिस ऑसम व्यू. आज का काफ़ी अच्छा वेदर है. अच्छा मतलब दिख अच्छा रहा है सब कुछ. अच्छी धूप है तो इसलिए काफ़ी क्लियर है सब कुछ. कल बहुत ज़्यादा बादल थे तो पूरा सब कुछ ग्रे 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 दिख रहा था. आज बहुत सुंदर दिख रहा है. कल तो ये वाला माउंटेन दिख भी नहीं रहा था. इज ऑल स्नो कवर्ड. अब भी दिख रहा है. ऑसम ना. चलो अब निकल रहे हैं हम लोग. हाँ तो ऐसा है कि श्रीनगर से लेह का रास्ता जितना मेरे को पता है, जितना हम लोगों ने इंटरनेट पे पढ़ा है, एक दिन ऑड इवन डेज पे ट्रैफिक छोड़ते हैं आइदर फ्रॉम श्रीनगर टू लेह और फ्रॉम लेह टू श्रीनगर. तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितना मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, ऑड डेज पे श्रीनगर से लेह ट्रैफिक छोड़ते हैं और इवन डेज पे लेह से श्रीनगर. तो ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं आना चाहिए आज, लेकिन अभी भी आ रहा है तो कुछ पता नहीं है मेरे को क्या सीन है. वो रूल अभी है कि नहीं. वो रूल था एज ऑफ 25th मार्च. अभी मिलिट्री वालों ने हम लोग को थोड़ा सा साइड रोड पे लगाया है. पता नहीं क्यों लगाया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है. कुछ ट्रक्स जानी है शायद. हाँ, मतलब मिलिट्री की ट्रक्स जाते हुए दिख तो रही है. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया बस दो मिनट रुक जाइए यहाँ लगा लीजिए करके. वैसे आप तो जाने दे रहे हैं शायद. हाँ शायद क्लियर हो रहा है. और इसी के साथ हम लोग ले में एंटर कर चुके हैं. एक जहाँ पे मिलिट्री वालों ने हम लोग को रोका था वहाँ पे कुछ तो चेकिंग चल रही थी, लेकिन हम लोग की गाड़ी पे कुछ पूछा नहीं उन्होंने. उन्होंने बोला जान दे खिचम खिच ऐसा बोला उन्होंने. ये देखा. कुछ कुछ पैचेस में रोड इतना नैरो हो जाता है. बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है यहाँ पे. इतनी देर से हम लोग हार्डली 15 की स्पीड पे चल रहे हैं. एट द मैक्स 15. अभी तो हाँ जहाँ जहाँ स्कोप होता है वहाँ वहाँ आर्मी वाले ओवरटेक करने की जगह दे देते हैं. ये देख ग्लेशियर. वाह देखो ग्लेशियर. माय गॉड नंदन. डू यू वांट मी टू राइट हियर नंदन हार्ट दीपा. पानी मेल्ट होती है. बर्फ मेल्ट हो रहा है. चमन कुछ बोल देता है यार. नंदन कुछ बोल देता है. River's gonna cry when you're gone. तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर हॉल्ट लिए हैं और जोजिला पास में हॉल्ट लिए हैं. देखो तो व्यू है ना एकदम अमेजिंग. एंड वी आर ट्राइंग द कश्मीरी कहवा. थोड़ी सी एक्टिविटी होती है यहाँ पे. ये जो स्नो है ये जो दिख रहा है वहाँ पे स्लेज की एक्टिविटी होती है. मोटर स्लेज है या मैनुअल स्लेज है. तो उसकी कॉस्ट वगैरह भी पता कर रहा है नंदन. लेवल्स में है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके. लेवल 3 ऑब्वियसली बहुत ऊपर और एडवांस है क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके बाद में बर्फ़ नहीं है. हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू पता नहीं. तो हम लोग
हाँ, सो वी डिसाइडेड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, द लेवल वन ऑफ स्लेज थिंग. भाई मोटर कर रहे हैं कि मैनुअल कर रहे हैं पता नहीं है. यहाँ पे शूज चेंज कर रहे हैं अंदर. मैं मेरे लिए सबसे छोटा साइज जैकेट वगैरह देख लिया होगा इन लोगों ने दिया है. दिस आर माय ग्लव्स, दिस इज माय. इतने यादगार रहते हैं जाता हूं. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry. तो जोजिला पास डन. बढ़िया मजा है एकदम. कश्मीरी कावा पी हम लोगों ने, एकदम मजा आ गया कश्मीरी कावा पी के. तो एक बार जाने से पहले पिया, एक बार वापस आने के बाद पिया. 50 रुपए पर ग्लास, 200 रुपए का तो कश्मीरी कावा पी गए. अच्छा, स्कीइंग बता दो. वो स्कीइंग नहीं था, सॉरी, स्की थोड़ी ना किया. और मैं स्लेज जो है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी. स्नो, स्नोबोर्ड, स्नो बाइकिंग, स्नो बाइकिंग, स्नो बाइकिंग है वो. वो हम लोगों ने किया है. कुल मिला के 2100 का बोल रहा था, 4200 का दो जन का. तो हम लोगों ने 3000 किया. 3000 में नहीं मान रहा था, तो 3500 में हम लोगों ने टोटल किया. 100 रुपये जो बंदे थे उन दोनों का टिप दिया. और मतलब 100-100 रुपये पर हेड, बस इतना ही है. यू आर एट जोजिला पास, 11,649 फीट, Border Road Organization. कारगिल में एंटर करते साथ आपको एंट्री करानी पड़ती है. गाड़ी का नंबर, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसे नोट कराना पड़ता है. और ये हाथ में ऐसे ऑटोग्राफ देता है, बोलता है कि आगे कहीं पूछे तो बोल देना एंट्री हो गई है. पैसा ऐसा कुछ नहीं लिया, तो बस इतना ही है. अब यहाँ से जाएंगे, अब यहाँ से जाएंगे कारगिल वॉर मेमोरियल. मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर होगा. और फिर वहाँ से कारगिल, यहाँ से 80 किलोमीटर है. बस आज का दिन खत्म. Kargil War Memorial. It's just about 200 meters away. MiG-21 banda dikha rahe hai. Oh, MiG-21. Mahavir Chakra. Postumus. तो अच्छा लगता है ना सारे फ्लैग देख के.
ये जो रोड बनी हुई है ब्लैक कलर की, इसके आर पार नहीं जाना है। जैसे आप एंटर करते हो तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यू कैन नॉट टेक पिक्चर्स सिटिंग डाउन, ओनली स्टैंडिंग पिक्चर्स अलाउड। और इस येलो लाइन के उस पार नहीं जा सकते। मैं जो विवेक गुप्ता, ये नीचे पीछे में आपको जो ब्रास के प्लेट्स दिख रहे हैं, वहाँ पे जो 500 प्लस जवान जो शहीद हुए थे ड्यूरिंग कारगिल वॉर, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। दिस इज़ द वीर भूमि जहाँ पे जो नॉर्मल कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं उन सबका नाम लिखा गया है। नॉट नेसेसरली ड्यूरिंग वॉर बट नॉर्मल कैजुअल। वो जो आप यहाँ पे ये वाली जगह पे यहाँ पे पीछे देख रहे हो, ये है टाइगर हिल। यहाँ से लेके ये द्रास और कारगिल का 150 किलोमीटर रेंज में 1999 में, अप्रैल 1999 में घुस आए थे पाकिस्तानी घुसपैठिए। एग्जैक्टली मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो आर्मी वालों ने यूज़ किया। हाँ, एक्चुअली 94 के एग्रीमेंट के बाद ऐसा डिसाइड हुआ था कि विंटर्स के टाइम पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की जो पोस्ट्स हैं वो सब नीचे चले जाएंगे समर्स के टाइम पे, सॉरी विंटर्स के टाइम पे। लेकिन -40 -50 डिग्रीज तक जाता है यहाँ पे द्रास में। लेकिन जब 1999 में हम लोग जब उतरे नीचे, तब पाकिस्तानी लोग अपने चढ़ गए और सारे हिल्स पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो फिर जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया, तब हमारे यहाँ पे एक शीप चलाने वाले थे, उन्होंने शायद सबसे पहली बार देखा कि पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है। उन्होंने आके इंडियन आर्मी को बताया, फिर इंडियन आर्मी का एक यूनिट 4-5 जनों का वहाँ पे गया चेक करने के लिए, बट देवर कैप्चर्ड एंड देवर किल्ड। फिर उसके बाद वॉर स्टार्ट हुआ। तो अप्रैल 99 में वॉर स्टार्ट हुआ और जुलाई 26 तक वॉर चला, इसलिए जुलाई 26 को ख़त्म हुआ था। ये सारे सेक्टर्स कैप्चर हो गए थे और उसी को कारगिल दिवस करके बोला जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक मूवी देखने, 10 मिनट्स की मूवी है, ऑडियो वीडियो वो देखेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। तो हम लोग बाहर आ गए हैं। हाईली रिकमेंडेड टू वॉच दैट मूवी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी मूवी थी। एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे हम लोग, उसने बोला है कि खाना तो वो नहीं है अवेलेबल, बट ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा। ब्रेड ऑमलेट के अलावा क्या चाहिए? मैगी मिलेगा। तो अपन क्या खा रहे हैं? ब्रेड ऑमलेट दो जगह। क्यों, क्या ब्रेड ऑमलेट? भूख लग रही है बहुत, और आने वाली है बहुत खतरनाक सी चाय। यहाँ की चाय क्या टेस्टी है यार, मैं नॉर्मली चाय पीती भी नहीं हूँ, पर यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार में दो दो कप चाय फूस जाती हूँ। सो हम लोग का रिजर्वेशन है जोजिला रेसिडेंसी में, कारगिल में। 57 मिनट्स दिखा रहा है फॉर 47 किलोमीटर्स, तो आई एम अज्यूमिंग रास्ता अच्छा होगा। और ऐसे ही रास्ता रहा तो एकदम मज़ा आ जाएगा। मज़ा लगता है, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। चलानी है? यस, थोड़ा सा जगह आता है तो अच्छी रोड, और मैं तो चला हूँ कैसे और होटल्स ऑलरेडी दिखने लग गए। एक रिवर बैंक भी है नीचे, इतनी अच्छी वेजिटेशन है यहाँ। सो दिस इज अ क्यूट लिटिल होटल कॉल्ड द जोजिला रेसिडेंसी। ऊपर चल के आप लोग को रूम दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, एकदम सिटी के अंदर है, पूरा मार्केट एरिया है पास में, वेरी प्रिटी।
ये रहा हमारा रूम। मेरे ख्याल से अभी तक मैं इससे बड़ा रूम तो मिला ही नहीं होगा। व्हाट इज दिस जायगेंटिक रूम। मैं आ गया। चलो आज फिर इतना ही। कल मिलते हैं। कल सुबह सुबह निकलेंगे। रिसेप्शन पे पूछा कि कितने बजे निकलना चाहिए लेह के लिए। उन्होंने बोला 10 बजे आराम से। तो और 4-5 घंटे लगते हैं बेसिकली, और रुक रुक के होटो ऑटो लेके वगैरह सब निकलोगे तो लग जाएंगे 6-6.5 घंटे। सो दैट्स इट आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। बाय। नमस्ते। बाय। This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.